आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है एसिड बेसिस में वो है शार्प कंसेप्ट। शार्प एब्रिविएशन है एस से क्या होता है सॉफ्ट, एक्स से हार्ड, ए से एसिड और बी से क्या होगा बेस। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसी इंडिविजुअल साइंटिस्ट का कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट जो है ये उन तमाम डेफिनेशंस का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने लीवस कंसेप्ट पढ़ा था, जैसे हमने आर्हेनियस कंसेप्ट को डिस्कस किया, लक्स फ्लड को कंसेप्ट को डिस्कस किया, यूसेनोविच को किया, ये उन तमाम स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक कंबाइन प्रिंसिपल दिया गया, रूल दिया गया। तो इस शार्प कंसेप्ट के मुताबिक हार्ड एसिड्स क्या होते हैं? हार्ड एसिड्स के टाइम्स होते हैं विद स्मॉलर साइज, इनका साइज क्या होता है बहुत ही स्मॉल होता है। लाइटर एलिमेंट्स, जब स्मॉल साइज होगा किसी भी एलिमेंट का या केटायन का तो ऑटोमेटिकली उसका मास जो होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। इट मींस के जो स्मॉलर साइज के एलिमेंट्स होते हैं इट मीन दे हैव लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं। तो लाइटर एलिमेंट होगा कि टाइम्स ऑफ हाई चार्ज और उसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे लिथियम आयन है, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, स्कैंडियम आयन। अब ये अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम आपको पता है सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्यूमिनियम आयन थर्ड ग्रुप के अंदर है, स्कैंडियम ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये वो एलिमेंट हैं जिनका स्मॉल साइज है, लाइटर एलिमेंट्स हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होती है, कम होती है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आपको पता है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, एक है, अल्कली मेटल्स हैं। मैग्नीशियम के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होंगे, ऐसे आयन जनरेट करते हैं जिनमें समाल क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हार्ड एसिड्स कहलाते हैं। सॉफ्ट एसिड्स इसका क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उलट है, इनवर्स होगा इस मूवमेंट का। यानी केटायंस विद स्मॉलर साइज की बजाय हम कहेंगे केटायंस विद लार्ज साइज, तो ये क्या होंगे, हैवियर एलिमेंट्स हो जाएंगे। केटायंस ऑफ लो चार्ज और आयंस विद हाई या लार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे काइनेज मेटल्स हैं। काइनेज मेटल्स फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के डी ब्लॉक के अंदर ये शामिल होती हैं, जिनमें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, काइनेज मेटल्स ने हम कहते हैं। इसी का मर्करी है, मर्क्यूरस प्लस वन होता है, मर्क्यूरिक प्लस टू होता है। सिमिलरली प्लाटिनम है, पीटी प्लस टू भी हो सकता है, प्लाटिनम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी आप इसको कह सकते हैं। हार्ड बेसिस क्या होती है, हार्ड बेसिस डोनर एटम्स होते हैं। इसको जब भी हमने पढ़ा था हार्ड बेसिस को हमने कहा था कि बेसिस आर दो स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, या हमने कहा था विच गिव अप ऑक्साइड आयन, तो ये डोनर एटम होते हैं, डोनर एटम्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो यहां पर हम कह सकते हैं वो आयन्स होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं, यानी जो डोनर एटम होगा उसका साइज छोटा होगा। स्मॉल साइज के डोनर एटम या नॉन मेटल्स जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। जैसे आप पढ़ते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल द एलिमेंट्स, ऐसा पॉलिन ने कहा था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। इसी तरह आप बात करेंगे ऑक्सीजन की, वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो यहाँ आप एग्जांपल में देखेंगे जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, एसीटेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, फास्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, तो इनमें जितने भी डोनर एटम्स हैं ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम्स के रेडिकल जो होते हैं उनका क्या होता है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगी तो जहरी बात उनका साइज स्मॉल होगा, छोटे साइज के होंगे। तो स्मॉल साइज के अंदर पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। पोलराइजेशन का ताल्लुक होता है
लार्ज साइज से, जितना ज्यादा साइज होगा पोलराइजेबिलिटी क्या होती है उतना ही ज्यादा होती है। जैसे आप फ्लोराइड एन, क्लोराइड एन, ब्रोमाइड एन, आयोडाइड एन को देख रहे हैं तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का, फ्लोराइड एन का है, तो जहरी बात है उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, उसमें डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगी क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है ही नहीं, उसका जो वैलेंस शेल है वो स्मॉल है। लेकिन जब आप आयोडाइड की बात करेंगे तो आयोडीन, उसका एटॉमिक नंबर 53 है, फ्लोरीन का तो 9 होता है, तो 53 वाले का ऑटोमेटिकली साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके शेल्स की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रेटर द शेल लार्ज इज द पोलराइजेबिलिटी, जितना शेल बढ़ते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कहा है तो इसका मतलब यहाँ स्मॉल साइज के एटम्स होंगे, इसका मतलब इनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं कॉमन रेडिकल आप पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, एसिटेट आयन, कार्बोनेट आयन, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ये सारे क्या है, ये एसिड से ड्राइव्ड है, जैसे एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन, कार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड से आया, फास्फेट आयन फास्फोरिक एसिड H3PO4 से आया, सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड से आया, फ्लोराइड आयन हाइड्रोजन फ्लोराइड से आया या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से आया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या आ गया, क्लोराइड आयन आ गया। तो ये कॉन्जुगेट बेसिस कहलाती हैं। बेसिकली आप पढ़ चुके हैं कि एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है ना। जैसे एसिटिक एसिड प्रोटॉन निकाल दें, रिमूव कर दें, वो एसिड है लेकिन उससे बनेगा एसीटेट आयन, एक प्रोटॉन को आपने रिमूव किया तो नेगेटिव वन चार्ज इसके ऊपर आएगा। इसी तरह आप फास्फेट आयन PO4 -3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड से आया है, H3PO4 तीन प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगी, फास्फेट आयन। सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड से आया, H2SO4 दो प्रोटॉन डोनेट करेगा, डाई बेसिक एसिड कहलाता है, उसकी कॉन्जुगेट बेस सल्फेट आयन पर -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये हार्ड बेसिस हैं। सॉफ्ट बेसिस फिर इसका इनवर्स हो जाती है, जैसे हमने हार्ड एसिड हार्ड क्या कहा, सॉफ्ट एसिड कहा, ये इनवर्स हो जाते हैं। तो हार्ड बेसिस की जो स्टेटमेंट है, सॉफ्ट बेसिस इसका उलट हो जाती है। जैसे हमने हार्ड बेसिस में कहा डोनर एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहां क्या कहेंगे, सॉफ्ट बेसिस आर द डोनर एटम्स विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका मतलब क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका साइज क्या होता है, उसका साइज बड़ा होता है, उसके साइज क्या होंगे, उसका साइज बड़ा होगा, उसमें शेल्स की तादाद ज्यादा होगी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी लार्ज हो जाएगी क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो पोलराइजेबिलिटी का ताल्लुक किससे है, साइज से है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले क्या होंगे, लार्ज साइज, लार्ज साइज वालों की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी लार्ज होती है। जैसे हाइड्राइड आयन, अब देखो इसने यहां पे इलेक्ट्रॉन एक गेन किया है, हाइड्रोजन एटम से हाइड्राइड आयन बना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है के में, लेकिन जब ये हाइड्राइड आयन बनेगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके के में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह इथीन C2H4, इसी तरह बेंजीन साइनाइड आयन, इसी तरह थायोसल्फाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो आपके सामने है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि इन सभी का जो साइज है वो क्या है, साइज क्या है इनका, वो लार्ज है। आपके सामने मैंने लिखा आयोडाइड आयन लार्ज साइज, थायोसाइनाइड आयन इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ज्यादा होता है। सिमिलरली यहां पे कार्बन है, ठीक है ना, तो इनका जो साइज है वो लार्ज है। जो जो हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं इस सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, उसके बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, उसके बाद फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है। लेकिन आप बार बार इसको पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट शेल्स में इजाफा नहीं होता, देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड शेल्स इंक्रीज नहीं होते। कौन सी चीज बढ़ रही होती है, वन बाय वन कौन सी चीज बढ़ रही होती है, न्यूक्लियर चार्ज।
along the period from left to right, nuclear charge increases. When nuclear charge increases, then force of attraction increases on the valence electrons. तो force of attraction बनने से क्या हो जाता है? Size कम हो जाता है. अब carbon atomic number 6 है, nitrogen 7 है, oxygen 8 है, fluorine 9 है. तो हमने यहाँ example किसकी दी थी? Oxygen और fluorine है ना यहाँ पर. It means इनका size क्या है? Small है. जब size small है तो polarizability क्या है? Small है. लेकिन उनकी electronegativity क्या होगी? High होगी. तो वो hard bases हैं. और यहाँ example में carbon और nitrogen को discuss कर रहे हैं. तो कार्बन और नाइट्रोजन का साइज एस कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या होता है? लार्ज है. जब इनका साइज लार्ज है तो इनकी पोलराइजेबिलिटी लार्ज होगी. लेकिन जब पोलराइजेबिलिटी लार्ज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इनकी लो होगी. तो इन्हें आप कहते हैं सॉफ्ट बेसिस. इन्हीं हार्ड एसिड हार्ड बेसिस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेसिस को आखिर हमने कंबाइन करना होता है. ये मिलाप करते हैं, रिएक्शंस करते हैं. तो कौन से एसिड्स कौन सी बेसिस के साथ कंबाइन होना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं? तो वो हमें बताया पियर्सन्स ने. पियर्सन्स प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं कि कौन से एसिड कौन सी बेस के साथ कंबाइन होना प्रेफर करते हैं. तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेसिस. हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद hard bases, soft acids prefer to combine with soft bases. तो वो complex ज्यादा stable होता है according to Pearson, जिसमें hard acid और क्या हो? Hard base combine हो. वो कभी भी stable complex ज्यादा नहीं होगा जिसमें hard acid combine हो जाए किससे? Soft base से. यानी उलट हो जाए. अगर कंपाउंड बन भी जाएगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा. स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हार्ड एसिड और हार्ड बेस की. सिमिलर इसी तरह सॉफ्ट एसिड की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी जब वो कंबाइन होगा किससे? सॉफ्ट बेसिस के साथ. तो अब देखिए यहां पे हार्ड एसिड्स जैसे पास कर लेते हैं सोडियम आयन है तो ये हार्ड एसिड है. अगर हम हार्ड बेसिस में जाए तो हार्ड बेसिस में आ जाए यहां पर NaF, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना? आप बेटा बताएं फिर कौन सा इनमें से ज्यादा स्टेबल होगा? हैं तो दोनों हार्ड बेसिस ना, फ्लोराइड भी क्लोराइड भी, जहरी पदार्थ स्टेबल तो होंगे. यानी मैं अगर आपसे कहूं कि सोडियम अगर कंबाइन कराने जा रहे हैं आप आयोडाइड से, यहां हमने आयोडाइड की एग्जांपल दी है, तो आपके पास अब तीन कंपाउंड बन गए हैं, सोडियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड. ये हार्ड एसिड हार्ड बेस है. सोडियम आयोडाइड ये हार्ड एसिड और कौन है? सॉफ्ट बेस है. तो इनमें स्टेबल कौन होगा? ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या होगा कि सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सोडियम आयोडाइड, क्योंकि वहां हार्ड एसिड किससे कंबाइन हो रहा है? सॉफ्ट बेस से. लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हार्ड एसिड सोडियम आयन का कॉम्बिनेशन बनाए फ्लोराइड आयन से तो ये हार्ड एसिड हार्ड बेस है. सोडियम आयन का कॉम्बिनेशन बनाए क्लोराइड आयन से NaCl बनेगा, वो भी हार्ड एसिड हार्ड बेस है. दोनों स्टेबल है. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विच ऑफ दीज टू इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड. क्या आंसर होना चाहिए कि सोडियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड में से कौन सा स्टेबल होगा? सोडियम फ्लोराइड, ठीक है ना? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है फ्लोराइड की एस कंपेयर टू क्लोराइड. तो हार्ड एसिड्स की जो प्रेफरेंस होती है कंबाइन करने की वो कौन से ऑर्डर में होती है? फ्लोराइड आयन ग्रेटर देन क्लोराइड आयन ग्रेटर देन ब्रोमाइड आयन ग्रेटर देन आयोडाइड आयन. तो इसका इन्वर्स हो जाएगा किसके लिए? सॉफ्ट एसिड्स के लिए. यानी सॉफ्ट एसिड्स की प्रेफरेंस हो जाएगी आयोडाइड आयन ग्रेटर देन ब्रोमाइड आयन ग्रेटर देन क्लोराइड आयन ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. इस बात का आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है क्योंकि शार्प कंसेप्ट में आगे जाके हम एप्लीकेशंस में देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो किस तरह से रिलेट करती है, वो किस तरह से जुड़ी होती है. तो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे.
आज का हमारा जो टॉपिक है शार्प कंसेप्ट की एप्लीकेशंस है। हमने पहले पढ़ा था शार्प कंसेप्ट, तो इसकी एप्लीकेशंस है। सबसे पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है या जो कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, स्पेशली मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से, तो उसकी स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं शार्प कंसेप्ट की मदद से। यानी जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलाप करते हैं, कंबाइन होते हैं, उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो स्टेबल होता है। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जो होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। यानी सिमिलर नेचर के अगर एसिड और बेस होंगे तो उससे कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वो स्टेबल होगा। अगर अपोजिट नेचर के होंगे, जैसे हार्ड एसिड कंबाइन विद सॉफ्ट बेस, देन द कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल, तो फिर उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो अनस्टेबल होगा। इसकी एग्जांपल हम देते हैं सिल्वर आयंस प्लस टू आयोडाइड आयन। सिल्वर आयन सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड आयन सॉफ्ट बेस है, इसको हमने एस डॉट बी से लिखा हुआ है। उससे बनेगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड स्टेबल होगा। इसी तरह सिल्वर आयंस जो सॉफ्ट एसिड है, व्हेन कंबाइंड विद फ्लोराइड आयंस जो कि हार्ड बेस है, उससे सिल्वर फ्लोराइड आयन बनेगा, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये अपोजिट नेचर है। सॉफ्ट एसिड कंबाइन हो रहा है किस चीज के साथ, हार्ड बेस के साथ, तो जरी बात है ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। अपोजिट नेचर यहां पे क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। सेकेंड इज कोर्स काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। कोर्स और काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं शॉक कंसेप्ट की मदद से। जैसे लिथियम आयोडाइड, लिथियम हार्ड एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है। व्हेन इट कंबाइन विद सीजियम फ्लोराइड, अब सीजियम फ्लोराइड में सीजियम सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट एसिड है, और फ्लोराइड क्या है, ये हार्ड बेस है, तो अपोजिट नेचर वाले यहां पे क्या है, कंबाइन है, तो इसकी स्टेबिलिटी स्लो होगी। लेकिन जब हार्ड एसिड को हार्ड बेस अवेलेबल होगी तो ये क्या करेगा, रेडियली रिएक्ट करेगा, तो काइनेटिक्स या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, तेजी से रिएक्शन होगा। हार्ड एसिड कंबाइन हो जाएगा हार्ड बेस के साथ तो लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा और सीजियम आयोडाइड। इसी तरह सीजियम सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो सिमिलर नेचर के जो एसिड और बेस होते हैं दे रिएक्ट रेडियली टू फॉर्म कंपाउंड। थर्ड वन इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है कि हार्ड एसिड जो होते हैं वो फ्लॉक करते हैं, अटैक करते हैं उस सेंटर के ऊपर जिसके साथ ऑलरेडी क्या होते हैं, हार्ड लिगेंड्स अटैच होते हैं। यानी हार्ड हार्ड को जाके क्या करता है, अटैक करता है। तो हार्ड एसिड्स हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अ सेंटर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद हार्ड लिगेंड्स। जैसे BF3 हार्ड सेंटर है, ये हार्ड एसिड है। फ्लोराइड आयन हार्ड लिगेंड है, हार्ड बेस है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमने पढ़ा हुआ है, डोनर है फ्लोरीन, नेगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर आएगा, हम फिर को कंप्लीट कर चुका है, इसे हम लिगेंड कहेंगे। इससे क्या बनेगा, BF4 नेगेटिव। अब BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फ्लोराइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये BF4 नेगेटिव बन जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे टेट्रा फ्लोरो बोरेट आयन। अच्छा, इसी तरह BH3 अगर हम F3 की जगह क्या लेते हैं, H3 सॉफ्ट एसिड हाइड्राइड आयन ले लेते हैं जो कि क्या है, सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस रेडियली रिएक्ट करेंगे और उससे क्या बनेगा, BH4 नेगेटिव, टेट्राहाइड्राइडोबोरेट आयन इसे पढ़ा जाता है, या बोरॉन टेट्राहाइड्राइड आयन भी इसे पढ़ सकते हैं। तो सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि जब आपको सिमिलर नेचर का सेंटर अवेलेबल होगा तो हार्ड लिगेंड उसी हार्ड सेंटर के ऊपर तेजी से अटैक करेगा। इसी तरह सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट सेंटर के साथ भी रेडियली रिएक्ट करेगा। फोर्थ सॉल्युबिलिटी,
हार्ड सॉल्वेंट्स डिजॉल्व हार्ड सॉल्यूट्स, जैसे आप एक टर्म में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, पढ़ा है आपने, एफएससी में भी है कि सिमिलर जो होते हैं वो सिमिलर को डिजॉल्व करते हैं, तो यहां भी सेम है, हार्ड सॉल्वेंट्स डिजॉल्व हार्ड सॉल्यूट्स, सॉफ्ट सॉल्वेंट्स डिजॉल्व सॉफ्ट सॉल्यूट्स, जैसे आप कहते हैं पोलर डिजॉल्व पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, तो यहां भी वही असूल है, हार्ड हार्ड को डिजॉल्व करेगा सॉफ्ट सॉफ्ट को डिजॉल्व करेगा, लेकिन हार्ड सॉफ्ट को डिजॉल्व नहीं करेगा, जैसे पोलर नॉन पोलर को डिजॉल्व नहीं करता। एनहेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन, आपको पता है क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन फैमिली है, छह कार्बन के साथ, ये सॉफ्ट सॉल्वेंट है, डिजॉल्व सॉफ्ट सॉल्यूट ऑफ सल्फर एटम्स एंड कैन नॉट डिजॉल्व हार्ड सॉल्यूट्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब जो नॉर्मल हेक्सेन है वो चूंकि खुद सॉफ्ट सॉल्वेंट है तो वो सल्फर के सॉफ्ट एटम्स को तो डिजॉल्व करेगा लेकिन ऑक्सीजन एटम्स के हार्ड सॉल्यूट्स को डिजॉल्व नहीं करेगा। इसकी फिफ्थ एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एच। अब जो डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज इसे हम कहते हैं, साइन ऑफ डेल्टा एच हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम शॉप कंसेप्ट से, वेदर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें आपको पता है साइन ऑफ डेल्टा एच क्या होता है, इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्स एक्स मीन एवॉल्व खारिज होना रिलीज, थर्म मीन हीट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और एवॉल्व, एंडो एंडो मीन एब्जॉर्ब, थर्म मीन हीट, तो एंडोथर्मिक दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक में साइन ऑफ डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें साइन ऑफ डेल्टा एच का पता चलता है शार्प कंसेप्ट से। देखिए हार्ड एसिड जो होते हैं विल कंबाइन विद हार्ड बेसिस किसके अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, और एंडोथर्मिक में उलट होता है, हार्ड एसिड विल कंबाइन विद सॉफ्ट बेसिस, जहां हार्ड एसिड हार्ड बेस से मिलेगा तो आपने जिंद रखना है वहां हीट रिलीज होती है, वहां डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जहां हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन होगा सॉफ्ट बेसिस के साथ यानी अपोजिट के साथ, वहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब लिथियम फ्लोराइड, लिथियम हार्ड एसिड है, फ्लोराइड फ्लोरीन हार्ड बेस है, सीजियम आयोडाइड सीजियम सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, सिमिलर नेचर के आपस में कंबाइन है, स्टेबिलिटी हमने कहा था सिमिलर के साथ ज्यादा होती है, लेकिन जब लिथियम को आप आयोडाइड से कंबाइन कराएंगे तो आप अपोजिट नेचर को कंबाइन कराने जा रहे हैं, हार्ड एसिड को किससे कंबाइन कराने जा रहे हैं, सॉफ्ट बेस के साथ, तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों आपस में रेडियली रिएक्ट कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, हमने अभी रिएक्शन कोर्स में कहा काइनेटिक्स में कहा था कि सिमिलर नेचर जो होते हैं वो रेडियली रिएक्ट करते हैं, वो तेजी से रिएक्शन करते हैं। अब आप हार्ड एसिड को मिलाने जा रहे हैं सॉफ्ट बेस के साथ, तो जहरी बात है यहां जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल नहीं बनने जा रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सॉफ्ट एसिड से जुदा करें, लेकिन एक चीज है अगर आप उसको हीट देते हैं आप उसकी स्टेबिलिटी को वीक कर देते हैं, तो जहरी बात है हार्ड एसिड जो है वो कंबाइन कर सकता है किस चीज से, सॉफ्ट बेस से, तो हीट देने की सूरत में ऐसा पॉसिबल है। इसी तरह हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड यानी सीजियम फ्लोराइड बन जाएगा, तो आपने यहां स्टेबिलिटी को वीक करना है, बॉन्ड्स को तोड़ना है ताकि अपोजिट नेचर कंबाइन हो, उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, तो यहां साइन ऑफ डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कौन से रिएक्शन हो जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगे। सिक्स है बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, यानी शार्प कंसेप्ट जो है उसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है, लिविंग बॉडीज के अंदर हार्ड एसिड हार्ड बेस का क्या कंसेप्ट होता है, हार्ड एसिड हार्ड बेसिस आर नॉट पॉइजनस, जो हार्ड एसिड हार्ड बेसिस होते हैं ये पॉइजनस नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल हमने हार्ड एसिड में कहा था, आपको याद होगा अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम, ये आपको याद होगा, तो क्या सोडियम पोटाशियम हम यूज नहीं करते,
हम यूज करते हैं साल्ट की सूरत में, सोडियम क्लोराइड हम डेली यूज करते हैं, नमक टेबल साल्ट है हम उसको डेली यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए पॉइजनस तो नहीं है। तो इट मींस के जो हार्ड एसिड हार्ड बेसिस होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, बट सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस आर पॉइजनस टू लिविंग बॉडीज। क्या हम सिल्वर को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर आयंस को, कॉपर आयंस को, गोल्ड को नहीं यूज करते ना, ये कौन से एसिड्स होते हैं, ये सॉफ्ट एसिड्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, काइनेज मेटल्स हैं, तो इन सॉफ्ट एसिड्स को तो हम डाइट के अंदर यूज नहीं करते बिकॉज दे आर पॉइजनस। सेवंथ है पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। आप बहुत से ऑर्गेनिक रिएक्शन देखते हैं, इन ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्पेशली कैटलिस्ट यूज करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने पढ़ा हुआ है कैटलिस्ट होता है सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन केमिकली अनचेंज। वो अपनी केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करता, सिर्फ रेट को बढ़ाता है। तो प्लैटिनम, पैलेडियम, आप ये कैटलिस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मोस्टली यूज करते हैं, स्पेशली आप इनको यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन में। प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल यूज करते हैं ना आप इनको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो ये कैटलिस्ट है। लेकिन सॉफ्ट बेसिस अगर आप इनमें ऐड कर दें, जैसे आर्सेनिक है, जैसे फास्फोरस है, जैसे एंटीमोनी है, तो फिर ये क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट पॉइजन हो जाते हैं, इसे हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। और पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट का क्या रोल होता है कि उससे जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे वो कैटलिस्ट का रोल प्ले नहीं कर सकता। तो सेवन एप्लीकेशन है शार्प कंसेप्ट में, जिनसे हम डेली लाइफ की केमिस्ट्री में बहुत से एडवांटेजेस जो है वो हासिल कर सकते हैं, इनको समझकर इनके एप्लीकेशन का हमें पता चल सकता है, रिएक्शंस की, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन की, सॉल्युबिलिटी की, स्टेबिलिटी की, ये सारी चीज़ें हमें इनसे पता चल सकती हैं। ओके।